करते हैं। ए जी 6005 क्वेश्चन नंबर 1। सेब के दग्ध शीलता रोग का कारक है, सेब के दग्ध शीलता रोग का कारक है ए इवेनिया, बी सीडोमोनास, सी जेंथोमोनास, डी बी और सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज ए करेक्ट इवेनिया। क्वेश्चन नंबर 2, वह कौन सा जीवाणु रोग है जो सर्वप्रथम प्रतिवेदित हुआ था, वह कौन सा जीवाणु रोग है जो सर्वप्रथम प्रतिवेदित हुआ था ए बंची टॉप, बी आम का गुच्छा, सी अंगूर की गिरवी और डी सेब और नाशपाती का दंत सिरता। वह कौन सा जीवाणु रोग है जो सर्वप्रथम प्रतिवेदित हुआ था। क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, सेब और नाशपाती का दंत सिरता। क्वेश्चन नंबर 3, आम के चूर आशिता रोग का कारक है, आम के चूर आशिता रोग का कारक है ए इरिसिफी मैग्नीफेरी, बी ओइडियम मैग्नीफेरी, सी इरिसिफी लिनी, डी ओइडियम कैरकी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट ओइडियम मैग्नीफेरी। क्वेश्चन नंबर 4, चूर आशिता रोग का प्रभावी नियंत्रण होता है, चूर आशिता रोग का प्रभावी नियंत्रण होता है ए बीटा पैक्स द्वारा, बी मनेब द्वारा, सी केराथेन द्वारा, डी डाइथेन जेड 78 द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट केराथेन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, आम के पुष्प गुच्छ रोग का कारण है, आम के पुष्प गुच्छ रोग का कारण है ए कवक, बी जीवाणु, सी विषाणु और डी घूम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट हो गया प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन इज करेक्ट कवक। क्वेश्चन नंबर 6, आम के पुष्प गुच्छ रोग की उपयुक्त नियंत्रण विधि है, आम के पुष्प गुच्छ रोग की उपयुक्त नियंत्रण विधि है ए बोरेक्स का उपयोग, बी एन ए ए एट रेट ऑफ 200 ppm का छिड़काव, सी प्लांट वैक्स का छिड़काव, डी चूने का उपयोग। तो आम के पुष्प गुच्छ रोग की उपयुक्त नियंत्रण विधि है क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, आम के कोयली रोग का कारण है, आम के कोयली रोग का कारण है ए ईंट के भट्ठे का धुआं, बी बोरान की कमी, सी वायु प्रदूषण, डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा उपयुक्त सभी, ईंट के भट्ठे के धुआं के द्वारा भी होता है, बोरान की कमी के कारण होता है, वायु प्रदूषण, इसलिए सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सिगाटोका रोग है, सिगाटोका रोग है ए आम का, बी केले का, सी नारियल का, डी नींबू वर्गी का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा केले का, सिगाटोका रोग है केले का। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में केले का बंची टॉप रोग का विषाणु आया था, भारत में केले का बंची टॉप रोग का विषाणु आया था ए अमेरिका से, बी पेरू से, सी सिलोन से, डी ब्राजील से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, सिलोन से। क्वेश्चन नंबर 10, पपीते के पर्ण कुंचन रोग का प्रसारण होता है, पपीते के पर्ण कुंचन रोग का प्रसारण होता है ए नेफोटेक्टिक्स से, बी एकेडिया से, सी बेमेसिया से, डी एफिस से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का
सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, बेमेसिया से। क्वेश्चन नंबर 11, पपीते के फूट रात रोग का कारक है। पपीते के फूट रात रोग का कारक है ए पाइथोपथोरा कैरिकी, बी पेथियम एफिनिटरमेटस, सी अल्टरनेरिया कैरिकी, डी ए और सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, पेथियम एफिनिडर्मेटस। क्वेश्चन नंबर 12, ग्लियोस्पोरियम सीडी रोग कारक है। ए अमरूद का एंथ्रेक्नोज, बी केले का पनामा, सी आम का झुलसा, डी अमरूद का उकठा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा, अमरूद का। क्वेश्चन नंबर 13, बंची टॉप रोग का विषाणु फैलता है। बंची टॉप रोग का विषाणु फैलता है ए पेंटाल नोनिया द्वारा, बी वेमेसिया द्वारा, सी एकेरिया द्वारा, डी थ्रिप्स द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, पपीते के पर्णकुंचन रोग के विषाणु का समाविष्ट है। पपीते के पर्णकुंचन रोग के विषाणु का समाविष्ट है ए आरएनए, बी डीएनए, सी आरएनए अथवा डीएनए, डी ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, डीएनए। क्वेश्चन नंबर 15, बोर्डेक्स मिश्रण की खोज किस रोग के नियंत्रण के लिए हुई थी। बोर्डेक्स मिश्रण की खोज किस रोग के नियंत्रण के लिए हुई थी। ए आम के मृदभूमि आश्रिता, बी नाशपाती के मृदभूमि आश्रिता, सी अंगूर के मृदभूमि आश्रिता, डी बैर का चूर आश्रिता। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट, अंगूर के मृदभूमि आश्रिता। क्वेश्चन नंबर 16, हांग लांग बिग अथवा पीला ड्रैगन रोग को प्रायः कहते हैं। हान लांग बिंग अथवा पीला ड्रैगन रोग को प्रायः कहते हैं ए नींबू का कैंकर, बी नींबू का ग्रीनिंग, सी नींबू का डाइबैक और डी नींबू का गुमोसिस। तो 16 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, नींबू का ग्रीनिंग। क्वेश्चन नंबर 17, नींबू का ग्रीनिंग रोग का प्रसारण होता है। नींबू का ग्रीनिंग रोग का प्रसारण होता है ए साइलिप द्वारा, बी थ्रिप्स द्वारा, सी फुदका द्वारा, डी माहू द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, साइलिप द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, सिट्रस कैंकर रोग से हानि होती है। सिट्रस कैंकर रोग से हानि होती है ए फल की संख्या में, बी फल की गुणवत्ता में, सी फल के बाजार मूल्य में, डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का डी ऑप्शन इज ए करेक्ट, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, नींबू का ट्रिस्टेजा विसार कहलाता है। नींबू का ट्रिस्टेजा विसार फैलता है ए टॉक्सोप्टेरा सिटीसीडस, बी टॉक्सोप्टेरा ओरेंटियम, सी एफिस गासिपी, डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, लाइबेरोबैक्टर एशियाटिकम एक जीव रोग कारक है। लाइबेरोबैक्टर एशियाटिकम एक जीव रोग कारक है ए नींबू ट्रिस्टेजा का, बी नींबू ग्रीनिंग का, सी नींबू गुमोसिस का, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, नींबू ग्रीनिंग का। क्वेश्चन नंबर 21,
वेनचुरिया इनाक्वालिस रोग कारक है। वेनचुरिया इनाक्वालिस रोग कारक है। ए सेव पपड़ी का, बी सेव अंगमारी का, सी समान पपड़ी का, डी चूर पपड़ी का। तो 21 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, सेव पपड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। अंगूर के चूर आस्था रोग का कारक है। अंगूर के चूर आस्था रोग का कारक है। ए रिसिफी विटिकोला, बी पोडोस्फेरा लिपोटाइफा, सी आइडियम जूनिफेरी, डी रिसिफी बीटीसी। 22 का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, पोडोस्फेरा लिपोटाइफा। क्वेश्चन नंबर 23। सिडार गर्वी रोग संबंधित है। सिडार गर्वी रोग संबंधित है। ए नारियल से, बी चाय से, सी सेव से, डी आम से। तो 23 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, सेव से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिडार गर्वी रोग संबंधित है, सेव से। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों 24। बेर के चूर आस्था रोग का जीव रोग कारक है। बेर के चूर आस्था रोग का जीव रोग कारक है। ए ओडियम इरिस्फोइडस, बी ओडियम कैडकी, सी इरिसिफी किकोरेस सीरम, डी पोडोस्फेरा जुजोफी। 24 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। चाय के ब्लिस्टर झुलसा रोग का कारक है। चाय के ब्लिस्टर झुलसा रोग का कारक है। ए फाइटोप्लाज्मा, बी शैवाल, सी कवक, डी बायरोइड। 25 का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। बोर्डेक्स मिश्र की खोज की थी। बोर्डेक्स मिश्र की खोज की थी। ए पी एम ए मिलाडेट ने, बी एडोल्फ मेयर ने, सी ई एफ स्मिथ ने, डी ई एफ मार्गन ने। तो 26 का ए ऑप्शन इज ए करेक्ट, पी एम मिलाडेट ने। क्वेश्चन नंबर 27। निद्रोमिल आस्था रोग नियंत्रित होता है। मृद्रोमिल आस्था रोग नियंत्रित होता है। ए रिनोकैफ से, बी मेटालेक्सिल से, सी बीटाबैक्स से, डी काइटाजिन से। तो 27 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, मेटालेक्सिल से। 28। काफी के गर्वी का कारक। काफी के गर्वी का कारक है। ए पक्सिनिया फेबी, बी इरोमाइसिस डायंथी, सी हेमिलिया बास्ट्राटिक्स, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 28 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, हेमिलिया बास्ट्राटिक्स। अगला क्वेश्चन 29। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य गर्वी का रोग कारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य गर्वी का रोग कारक नहीं है। ए पक्सिनिया, बी हेमिलिया, सी सिफेलिगास, डी इरोमाइसिस। तो 29 का सी ऑप्शन इज ए करेक्ट, सिफेलिगास। क्वेश्चन नंबर 30। चाय के लाल गर्वी रोग का कारक है। चाय के लाल गर्वी रोग का कारक है। ए कवक, बी शैवाल, सी जीवाणु, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का बी ऑप्शन इज ए करेक्ट, शैवाल। माई डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर एस एम यादव चौधरी चरण से दिल्ली का ऐसे भाई टावा से। प्यारे बच्चों, मैं आज एजी 6005 कोर्स नंबर डिजीज ऑफ फेल एंड हॉर्टिकल्चर क्राप एंड पेयर मैनेजमेंट सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 1 से 30 क्वेश्चन अपलोड करने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर एस एम यादव सर्च करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Thanks all of you, my dear students.